हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मित्र सपोर्ट के अंदर। आज हम सीखेंगे पहचान पत्र के अंदर DOB या नाम या मोबाइल नंबर जोड़ना। किसी भी प्रकार का करेक्शन करने के लिए हम पहचान पत्र में कैसे करेक्शन करेंगे उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम यहां पर उपलब्ध करवाएंगे आपको। इसके लिए किसी प्रकार का कोई 1 रुपये का भी आपको शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास में मोबाइल है तो मोबाइल से भी आप ये काम कर सकते हैं, और अगर डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप से भी आप ये काम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र ऑन करना है। ब्राउज़र के अंदर आपको टाइप करना है, ब्राउज़र को सर्च करना है यहाँ पर NVSP पोर्टल ऐसे सर्च करना है आपको। सर्च करने के बाद में यहाँ पर ऊपर वेबसाइट मिल जाएगी आपको NVSP.in की, नेशनल वोटर्स है सर्विस पोर्टल। इस पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो अपनी वोटर हेल्पलाइन की जो वेबसाइट है वो इस प्रकार से ऑन होकर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं, इसमें आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो हम बाद में बताएंगे आपको। अभी उसके लिए आपको सबसे पहले आप लॉगिन या रजिस्टर के बटन पे आपको क्लिक करना है किसी भी प्रकार की एडिटिंग करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप यहाँ पर डू नॉट हैव अकाउंट रजिस्टर एस न्यू यूजर्स, इस पर आपको कर देना है क्लिक। सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना होता है इस पर नेशनल पोर्टल पे, NVSP पोर्टल पे। मतलब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पर एक ID जनरेट करनी होती है, जो हम यहाँ पर कंप्लीट बता रहे हैं आपको, जो जिसका कोई पैसा नहीं लगता है। यहाँ पर आपका नंबर जो भी है आपको यहाँ पर डालना है इस प्रकार से, और यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपको साइड के अंदर दिखाई दे रहा है इस पे आपको डाल लेना है। यहाँ पर कैप्चा कोड में यहाँ पर डाल लेता हूँ RP9NQ। इसके बाद सेंड OTP पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर OTP जो भी आएगा वो आपके मोबाइल नंबर पर, वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। OTP की वेट करते हैं हम। OTP हमारे पास में आ चुका है, हम OTP यहाँ पर टाइप कर लेते हैं 938646। उसके बाद वेरीफाई OTP पे आपको करना है क्लिक। इसको क्लिक करने के बाद में ये फॉर्म खुल जाएगा। आपको यहाँ पर फॉर्म को आपको भर लेना है, जो भी आपका नाम है इस प्रकार से। आपकी फैमिली का भी आप इसी ID से, एक ही ID से आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अंदर लगाकर हम बताएंगे अभी आपको। यहाँ पर आपको ईमेल ID भर लेनी है आपको। उसके बाद में आपको एक पासवर्ड आपको रख लेना है, जो भी आपको आपको याद रह सके वो कोई सा पासवर्ड आप रख सकते हैं। इसमें ये कोई डिफेक्ट नहीं है, मतलब उसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे एक इंग्लिश का शब्द बड़ा होना चाहिए। बाकी @ वगैरह लगाकर आप गणित के नंबर लगा सकते हैं इसमें। इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने के बाद में वापस से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में यहाँ पर फिर से बैक आना है और लॉगिन के अंदर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने जो मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर्ड किया है वो नंबर यहाँ पर डालना है आपको, और यहाँ पर पासवर्ड आपको डाल लेना है। पासवर्ड जो भी आपने रखा था वही पासवर्ड यहाँ पर डालकर जो साइड के अंदर कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है आपको उसको यहाँ पर टाइप कर लेना है आपको इस प्रकार से, और लॉगिन बटन पे आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पे जैसे क्लिक करोगे डैशबोर्ड पे आपका वापस से यहाँ पर खुलेगा ये पोर्टल। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। अपने या इलेक्ट्रोल जो 18 साल का अगर कोई व्यक्ति हो गया है तो उसका रजिस्टर करके यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इलेक्शन जो होते हैं वोटर लिस्ट के अंदर नाम जोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आधार से एग्जाइटिंग इलेक्ट्रोल में आधार नंबर जोड़ सकते हैं, और यहाँ पर EPIC कार्ड जो पहचान पत्र होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेम करेक्शन, मोबाइल नंबर जोड़ना है आपको, पुराना जो बना हुआ है पहचान पत्र, या DOB चेंज करनी है। तो उसके अंदर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन डुप्लीकेट EPIC एंड माइग्रेशन, इस पर आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर या तो आपने जो रजिस्टर किया है आपके नाम से, या तो आपका सेल्फ का है या फैमिली का है, तो फैमिली का हम यहाँ पर करके देखेंगे। यहाँ पर एडिट,
तो यहाँ पर एपिक नंबर आपका जो पहचान पत्र नंबर है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। आपको जिस भी पहचान पत्र में यहाँ पर एडिट करना है उस पहचान पत्र का नंबर आपको यहाँ पर डालना है। एपिक नंबर में यहाँ पर पहचान पत्र का नंबर यहाँ पर डालकर फटाफट से एडिट करता हूँ इसको। उसके बाद में नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे जैसे क्लिक करोगे फॉर्म आपका इस प्रकार से यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। करेक्शन के लिए फॉर्म नंबर 8 है ये। इसमें अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा शिफ्टिंग फॉर रेजिडेंट्स, मतलब आई सबमिट फॉर टेक एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से एक कारण आपको चूज करना है कि आपको क्या चेंज करना है। यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको करेक्शन करना है नेम और जेंडर और DOB। इस प्रकार से कुछ भी अगर करेक्शन करना है आपको तो यहाँ पर करेक्शन के बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपके जो भी राज्य है वो उसका नाम और विधानसभा का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में जो भी पहचान पत्र में नाम होगा आपका वो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। नाम में अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो आप उस इस प्रकार से दिखाई देगा यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आधार नंबर आपको टाइप कर लेना है। मैं आधार नंबर यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ फटाफट से। उसके बाद में एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है जो भी आप इसके अंदर जोड़ना चाहते हैं। मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर दिया मैंने। उसके बाद में ईमेल आईडी भी अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आ जाना है, आपको क्या क्या चेंज करना है आपको वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे नेम चेंज करना है और डेट ऑफ बर्थ को आपको मुझे चेंज करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर और टाइप ऑफ रिलेशन और नेम ऑफ रिलेटिव ये भी चेंज करना है मुझे, और रिलेशन भी मुझे यहाँ पर चेंज करना है। मोबाइल नंबर भी यहाँ पर अगर आपका है तो चेंज करना है और ना नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर करेक्ट पर्टिकुलर्स इन एंट्री ऑफ करेक्टेड आर एस बिलो, इसमें से आपको यहाँ पर आपका जो भी नाम चेंज करना चाहते हैं आप वो यहाँ पर टाइप कर लेना है आपको। मैं यहाँ पर नाम टाइप कर लेता हूँ फटाफट से। इस प्रकार से सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सर नेम नीचे लिखना है, मैंने पहले से लिख दिया इसको, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश के अंदर आपको सर नेम यहाँ पर टाइप कर देना है, और यहाँ पर हिंदी के अंदर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद में आपको नीचे आना है और कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आना है नीचे। और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी होती है ना, तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर फटाफट से सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, ऊपर है ये डेट ऑफ बर्थ आ गई। उसके बाद में फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ हमें सेलेक्ट करनी थी, हमने कर लिया। उसके बाद में रिलेटिव नेम, मतलब जो फादर नेम होता है वो अभी हमारा इसमें गलत था, हम उसको चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। रिलेटिव सर नेम है जो आपको यहाँ पर इंग्लिश के अंदर टाइप करना है पहले। उसके बाद में हिंदी के अंदर ऑटोमेटिक आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। रिलेशन यहाँ पर आपको जो भी रिलेशन है, फादर है मदर है क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर हमने पहले टाइप कर लिया। अब एज प्रूफ और प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ नेम में आपको आपका आधार नंबर, आधार या मार्कशीट आपको जो भी आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ पर अपलोड करनी है दोनों में।
तो मैं यहाँ पर आधार नंबर आधार टाइप कर अपलोड करने वाला हूँ। इसके बाद में आपको IMG फॉर्मेट में यहाँ पर आपको आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, या फिर मार्कशीट हो तो आपके पास में मार्कशीट अपलोड करनी है आपको यहाँ पर। मैंने आधार कार्ड अपलोड किया है यहाँ पर। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आपको सेम आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस प्रकार से अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आपको प्लेस में आपका विलेज का नाम आपको यहाँ पर अब डाल देना है। उसके बाद में जो साइट के अंदर कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर अब फिल कर देना है इसको। उसके बाद में प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पर सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका फॉर्म ऐड है जो आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में यहाँ पर आपको एक जो रेफरेंस नंबर है वो मिलेगा यहाँ पर, जो कुछ समय के लिए आप देखते रहिए। यहाँ पर सबमिट किया है मैंने। सबमिट करने के बाद वेबसाइट किस प्रकार से काम करती है और किस प्रकार से एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है वो आपको ये नंबर आपको रख लेना है। ये नंबर रखने के बाद में आपको बता दूँ दोस्तों, जो आपका BLO होता है, आपका जो भी वार्ड का BLO है उससे आपको संपर्क करना है और उनको बोलना है कि मैंने फॉर्म 8 भरा है, आप इसको अपलोड कीजिए। वो अपलोड करेंगे पहले इसको। उसके बाद में फील्ड वेरीफाइड होगा और उसके बाद में एक्सेप्ट होगा ये। उसके बाद में जब भी लिस्ट अपडेट होगी उसमें आपका जो भी DOB है, नेम है, वो सब कुछ सही कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप पहचान पत्र में करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो तब तक बने रहिए हमारे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी आइकन को दबाइए। धन्यवाद।